विद्युत विभाग द्वारा अपने उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना को एक बार फिर से आरंभ किया गया है। कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के नाम से संचालित इस योजना का लाभ सभी विद्युत उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। मंझोला पावर हाउस स्थित कार्यालय पर मौजूद रहे SDO शैलेश कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि विद्युत उपभोक्ताओं के कल्याण को लेकर कोविड-19 के मद्देनजर इस योजना को शुरू किया गया है, ताकि विद्युत विभाग अपने उपभोक्ताओं को लाभ दिला सके। इस योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर उनका जितना भी विद्युत बिल बकाया होगा उस बकाए को पार्ट टाइम में जमा किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज से भी मुक्ति मिल रही है। इस दौरान उन्होंने जनमानस से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाएं और विद्युत बिलों की बकाया राशि जमा करने का काम करें। ऐसा था कि कोविड-19 में कुछ कंज्यूमर ऐसे थे जो कि जो छूट मिला था उसका लाभ नहीं उठा पाए थे लॉकडाउन की वजह से। तो इसमें सरकार ने क्या जाता है कि 14 तारीख को एक पत्रांक 23-97 के अंतर्गत में दिया है कि LMB 2 कॉमर्शियल, LMB 4 निजी संस्थान और LMB 6 औद्योगिक श्रेणी में जो भी बिल जमा नहीं कर पाए हैं तो 30/11/2020 तक जो भी छूट होंगे उनको अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो 100% जो सरचार्ज उनके लगे वो माफ कर दिए जाएंगे। ये मेन इसका हुआ है ना। लेकिन इसको 28/2/2021 तक इसे पूरा फाइनल जमा करना ही पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में वो फिर जो 2000 का रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो ठीक है ना। क्या अपील रहेगी उपभोक्ताओं से आपकी? उपभोक्ता से तो यही अपील रहेगी, इस जो इन्हें दिया गया लाभ का अवसर दिया गया इसका ज़्यादा से ज़्यादा वो करें, और इसमें हम भी चाहेंगे कि इसमें प्रचार प्रसार करें जिससे कि हर बिंदु कंज्यूमर को पहुंच जाए और वो हमारे पास अधिक से अधिक बिल जमा करा सके।